आपका दोस्त हंसराज बोराना बिजनेस मोटिवेट। आज हम बात करेंगे कबाड़ के बिजनेस में कैसे भविष्य संवारें। कबाड़ का बिजनेस ये कोई छोटा बिजनेस नहीं है, दिखता नाम इसका छोटा है, कबाड़ स्क्रैप बिजनेस बोलते हैं इन इंग्लिश में इसको, लेकिन इसका करोड़ों बड़े बड़े दिग्गज लोग इसमें कमा रहे और करोड़पति बन गए। नितिन गडकरी देश के बड़े नेताजी हैं, वो भी इनके इन बिजनेस में थे और आज भी शायद उनका है बिजनेस। यानी बड़े बड़े स्टार लोग इसमें कमा के खा रहे हैं। जानकारी नहीं होने से कई लोग डरते हैं, कुछ लोग समझते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी शॉर्ट मनी शॉर्ट काफ़ी उससे डरते हैं, लेकिन और कुछ ये बिजनेस कई लोगों को जानकारी भी रहती है इसके बारे में, लेकिन कुछ युवा पीढ़ी इस लाइन में आना नहीं चाहती। वो क्या सोचते हैं, उन्होंने इसकी पढ़ाई कर रखी है, अब वो नौकरी की वेट कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, जैसे नौकरी लगेगी चले जाएंगे। अब वो सोचते हैं कि यार आप अपने वाइट कॉलर है, इतना अपना नाम है, कल लोग क्या कहेंगे, देखो कबाड़ का बिजनेस कर रहा, नौकरी नहीं मिली अभी कबाड़ का बिजनेस कर रहा है, इसलिए वो दुनिया के शर्म के लिए एक छोटी नौकरी करता है, साफ सुथरी कपड़े साफ रहे ऐसी नौकरी, जैसे कि स्कूल का टीचर में काम किया, प्राइवेट स्कूल में, या कोई छोटी मोटी फाइनेंस कंपनी में अकाउंट का काम किया तो 7-8 हज़ार रुपये सैलरी प्रोवाइड हो जाती है। उनका दिमाग बहुत स्ट्रांग रहता है, फिर भी वो छोटी नौकरी करके यानी दुनिया के शर्म से। और दूसरा एंगल क्या रहता है, लोग क्या कहेंगे, या फिर ये बहाना, कुछ लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए बहाना भी खूब बनाते हैं। पहले के लोग जो मेहनत करते थे वो युवा पीढ़ी नहीं कर रहे। पहले लोग हम देखते थे कि वो रात दिन सुबह शाम दुकान को ही घर बनाना, सोना वहीं, खाना वहीं, वहीं सब कुछ वहीं, और पागलों की दौड़ रहे थे। और वो आज बड़े बड़े दिग्गज व्यापारी बन गए हैं, बड़े सेठ बन गए हैं मद्रास में, बॉम्बे में, जो ये मारवाड़ी लोग वहाँ बैठे। अभी जो युवा पीढ़ी है वो बिजनेस में फेल क्यों हो रहे हैं, उनको शर्म आती है, फिर उनको एक बहाना होता है, शर्म भी आती है, लोग क्या कहेंगे, शर्माते बोले, छोटा काम करने में, गाड़ी साफ करने में शर्मा लेते हैं, कोई सामान ऊपर निकाल के कहीं बाहर भेजना हो तो भी शर्म आती है, दुकान में पोता लगाना हो तो भी शर्म आती है, छोटे छोटे चीज़ों में शर्म, शर्म से खुद का कैरियर तो खराब करते हैं और माता पिताओं का नाम भी खराब करते हैं। और वो माता पिताओं को इस प्रकार बनाते हैं कि माता पिता भी उनकी बातों में आ जाते हैं, उनको बहाना बना होता है कि मैं वहाँ मेरा बिजनेस पॉइंट सही नहीं था, क्राइटेरिया सही नहीं था, मेन फ्रंट में मेरी शॉप नहीं थी, वहाँ लोग अलग किस्म के थे, लोग झगड़ालू थे, वहाँ बिजनेस पॉइंट नहीं है, वहाँ लोग यानी खरीदी नहीं करते, गरीब लोग ज़्यादा हैं, ये प्रकार के बहाने होते हैं। तो ये बहाना बना के उनको माता पिता उनकी बातों में बिछड़ के आ जाता है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा तो सही है, उनके साथ एक चोट हुई है। अभी आप ये कबाड़ बिजनेस है जो स्क्रैप बिजनेस है, इस बिजनेस में आप इसमें कोई लाइसेंस, शुरुआत में आपको लाइसेंस लोगे तो बहुत अच्छा रहता है, कारण क्या कुछ चोरी का भी आ जाता है, थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा, चोरी का सामान भी आ जाता है, लाइसेंस GST वगैरह नॉर्मल ये सब आपको एक CA बना के दे देगा, उसमें नॉर्मली चार्ज होते हैं, शुरू में तो आप आराम से कर सकते हो, उसके बाद जैसे आपको लग रहा है कि बिजनेस बढ़ रहा है तो फिर ये कर सकते हो, थोड़ा बहुत इसमें लागत लगेगा, इसमें आपको शुरू में 50-60 हज़ार तक एक बढ़िया आप इसको कर सकते हो, कैश का है वैसे इतनी जरूरत नहीं रहती, 500-1000 में भी वैसे तो हो ही जाता है इस बिजनेस को शुरू में, फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है। अभी इसमें आप जो कबाड़ लोगे फिर आगे कबाड़ दोगे तो कमी है। और दूसरा इसमें एक और है कि अगर आप जैसे कि कबाड़ लोग को रिसाइकलिंग कर दो, उसके लिए मशीन लानी पड़ेगी, 50,000 तक हो जाती है, बढ़िया मशीन मिल जाएगी रिसाइकलिंग, जैसे कि कितनी भी जो बोतल होती है, अब 5 रुपये 10 रुपये ये किलो में ये बोतलें जाती है, आप उस बोतलों को लाके उसके रिसाइकलिंग यानी पूरे बोतलों के टुकड़े होंगे, टुकड़े बारीक टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े होकर उसका सब कॉन्टैक्ट लेके फिर वो आगे माल सप्लाई करना। अभी माल लेने के लिए भी खूब पार्टियां हैं, आप ऑनलाइन में गूगल में भी सर्च कर सकते हो, इसमें डिमांड रहती है उन पार्टियों की, वेटिंग लिस्ट में उनको माल चाहिए, बोतल के छोटे छोटे टुकड़ों का पूरा बॉय बंच बना लो और वो थोक के थोक माल जाएगा, वो जो आप ऐसे 5 रुपये में 6 रुपये में तो मार्केट से कस्टमर से लाते हैं, फिर आप दुकानदार को देखिए, दुकानदार अगर वो 10 रुपये 15 रुपये में जैसे कि ले लिया, फिर वो 15 रुपये में आप कितने बेचोगे, 15 या 16 में बेच दोगे, अगर इसको रिसाइकलिंग करके बेचोगे तो वो 15 का 100 रुपये में 80 रुपये 90 रुपये में जाएगा, यानी 10 गुना आपका इनकम हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे, उसमें आप महीने का 4-5 लाख रुपये कमा सकते हो,
कबाड़ के बिजनेस में। ऐसे कबाड़ में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप कौन कौन से आइटम उसको अलग करो, उसको अलग टाइप से बेच सकते हैं, कि जैसे कि वायर आते हैं तो तांबा निकाल दो और ये वो अलग, प्लास्टिक अलग कर दो, तांबा अलग कर दो, लोहा अलग कर दो, कोई पुरानी आइटम है उसको आप रिपेयर करके उसका अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन भी है, खूब अच्छा कमा सकते हो, बहुत बढ़िया बिजनेस है, बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग इसमें लगे हुए हैं, आप भी इसको अच्छे से कर सकोगे तो अच्छा पैसा आपको अर्निंग होगी। ऐसे बिजनेस के टिप्स मेरे से मिलते रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको नए आइडियाज़ के लिए जस्ट इसका ये कबाड़ का बिजनेस है इसको और नया वीडियो के लिए जस्ट आपको नया वीडियो मेरा बनी रहा है इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी आपके मोबाइल में अपडेट आ जाएगा सबसे पहले। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।